अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? आई एम ऑडिबल इनफ? अस्सलाम सर जी, वालेकुम चलो सही है, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम सर। अच्छा बीच में अगर मेरी आवाज डिस्टॉर्ट होने लगे तो प्लीज बता दीजिएगा। एंड सेकेंडली आज मैं मुझे लेट मी कंप्लीट माय लेक्चर। सबसे पहले हम लोग आखिरी 15 से 20 मिनट, चाहे मुझे एक्स्ट्रा भी लेने पड़ेंगे कोई इशू नहीं है, हम आखिरी के 15 से 20 मिनट अलग से सवालों को रखेंगे, क्योंकि बीच में पेस टूट रही है। फिर काफी स्टूडेंट्स ने अकेडमी में कंप्लेन भी की थी कि यार बीच बीच में सवाल आते हैं, इंटरप्शन होती हैं। चाहिए क्योंकि बच्चे आप लोग ज्यादा हैं क्लास में, तो मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर जितने भी सवाल हैं आई विल बी आंसरिंग दोस। सही है, कल हमने यूनाइटेड नेशंस किया था, आज भी स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी इन द ईयर 1944, उसके बाद बना था, जिसके अंदर डिसाइड हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर टू है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे। अब ऐसी कोई चीज फ्यूचर में ना हो, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए, उस चीज को कर्टेल करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। एंड इसके टोटल मेंबर्स एज ऑफ नाउ आर 189। इसके जो मेजर फंक्शंस हैं, सबसे बड़ा इसका मेजर फंक्शन है इंटरनेशनल जो हमारी एक्सचेंज रेट्स हैं, जो इंटरनेशनल करेंसी है उसको मेंटेन करना, ताकि उसको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, एंड उसको स्टेबलाइज रखना, ताकि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस हैं, जितनी भी म्यूचुअल ट्रेड है कंट्रीज की आपस में, वो हैम्पर ना हो सके उस वजह से। उसी से रिलेटेड 3 से 4 और फंक्शंस हैं इसके। अमंग देम आर सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि यार पूरी दुनिया में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग रहे, क्योंकि करेंसी रेट आपके सेम रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो उससे लोगों की जो ट्रांजेक्शन होगी कंट्रीज की आपस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को इसके थ्रू क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जब आपकी इंटरनेशनल करेंसीज जो है उनको जब ये रेगुलेट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइनेंस, उससे आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रेगुलेट हो जाएगी, फैसिलिटेट हो जाएगी, ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ज्यादा उसकी ट्रांजेक्शन है, दैट वुड बी मोर कह लें स्टेबल कह लें, राइट। इसी के साथ साथ जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी, जब आपकी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि आपकी डिमांड बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट्स की, उससे क्या होगा कि जो लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी के लिए डिमांड क्या, उनको पूरा करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाएगी अपना, ज्यादा लोग को नौकरियां मिलेंगी, ताकि ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, ज्यादा हम लोग फिर आगे एक्सपोर्ट कर सके। सही है। अच्छा, इसके बाद इसका जो एक और मेजर फंक्शन है, सब ये वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शंस है इसका, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो कंट्रीज की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करना। कंट्रीज अगर अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट, अपनी जो प्रॉपर, उनका इतने पैसे नहीं है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को फंड कर सके, या कुछ सर्टेन अपने जो इंटरनल इशूज हैं, उनकी जो बैलेंस, उनके जो चेक्स हैं, उनकी जो रिसीट्स हैं गवर्नमेंट्स की, जब वो फुलफिल नहीं हो रही, उन चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए भी IMF लोन्स दे रहा होता है। इसके साथ साथ ये इंश्योर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली लिंक्ड है आपस में, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंश्योर हो रहा होती है, एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो पॉवर्टी वो रिड्यूस होती है पूरी दुनिया के अंदर। सही है। इस स्लाइड के अंदर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में बनी थी IMF, ताकि क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू का सबसे बड़ा रीजन था कि जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उसकी वजह से आया हुआ था, राइट। अब ऐसा कोई क्राइसिस फ्यूचर में ना आए, एंड उस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए IMF बनाया गया था, जिसके अब 189 मेंबर्स हैं और ये सारे फंक्शंस हैं उसके। अच्छा, IMF का चार्टर क्या है? चार्टर वैसे तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बट उसकी अगर समरी देखी जाए तो उसकी जो जिस्ट है, दैट इज कि जो लोन्स है वो स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक क्राइटेरिया को फिलफिल करने के लिए दिए जाएंगे। जो इकोनॉमिक नीड्स है किसी कंट्री के, जो इकोनॉमिक समझ लें कि जो इश्यूज आ रहे हैं किसी कंट्री को, अगर अपने फुलफिल करते हुए उन चीजों को ओवरकम करने के लिए IMF लोन्स देगी। इसके अलावा बाकी लोन्स IMF नहीं देता। इसके बाद इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है कि ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी आपकी को स्टेबलाइज रखेगा, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड के अंदर बात की थी, जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारे उनको स्टेबलाइज करता है IMF। एंड इसका सेकेंडरी फंक्शन है जो पुअर कंट्रीज हैं उनके लिए एज ए लास्ट रिजॉर्ट होता है IMF, कि अगर वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे, उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आउट हो गई है, अगर उनके पास समझ लें कि उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल देने के पैसे नहीं है, या इसके अलावा कोई और अगर इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है जो कि कंट्री फील्स, अगर हमने IMF के पास नहीं गए तो कंट्री वुड कोलैप्स, तो उन केसेस के अंदर भी IMF आपको लोन दे रहा होता है प्योरली ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया।
अब फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन जो पिछली दो बार रिपीट कर चुका हूं, एक और बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला फंक्शन है इसका जो इसने पैग किया हुआ है एक्सचेंज रेट्स को। पैग का मतलब कि इसने जो एक्सचेंज रेट्स है उनको स्टेबलाइज किया हुआ है अगेंस्ट द गोल्ड, कि ऐसा ना हो कि कोई कंट्री ओवर प्रिंटिंग कर दे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हिट कर जाए पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो उन सब चीजों को गोल्ड के साथ लॉक किया होगा, जितना गोल्ड उतना ही आप सर्टन एक रेशियो के हिसाब से यू विल बी प्रिंटिंग द मनी, राइट। इसके साथ साथ ये प्रमोट करते हैं स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट्स की और फाइनेंशियल फ्लोज जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं आपके, जो एक्सचेंज ऑफ मनी है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उन चीजों को स्टेबलाइज भी IMF कर रहा होता है। IMF ना अपना जितना भी सिस्टम है, जितनी भी अपनी वो सारे फाइनेंसेस हैं, वो मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम्स के थ्रू मैनेज कर रहा होता है। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि जितनी भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, टोटल 189 जो हैं, वो अपनी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से ना सर्टेन कंट्रीब्यूशन डाल रही होती है, सर्टेन पैसा डाल रही होती है। कि सपोज अमेरिका की इकोनॉमी सबसे अगर बड़ी है, सबसे ज्यादा पैसे वो पुल इन कर रहे हैं, उसके बाद अगर चाइना है तो चाइना उससे थोड़े कम पुल इन कर रहा है, तो हर कंट्री अपनी इकोनॉमी के हिसाब से पैसे इसके अंदर पुल इन कर रहा होता है, कर रही होती है, राइट। अब वो सारे के सारे जब पैसे एक जगह पे मिलते हैं, एंड IMF उसी पैसे को यूटिलाइज करता है, एंड डिफरेंट कंट्रीज को जिनको जरूरत होती है लोन्स की, उनको फिर लोन्स प्रोवाइड कर रहा होता है, सही है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड बैंक का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि लिबरलाइज करना, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना, कि जो कंट्रीज है आपस में टैरिफ्स ना लगा रही हो, ट्रेड फ्री हो रही हो, ताकि हर कंट्री डेवलप हो सके, उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज कम से कम हो जाए, एम्बार्गोस को डिस्करेज करना इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। दुनिया में से हंगर को रेडिकेट करना, प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अटेन करना पूरी दुनिया के अंदर, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मोर्टैलिटी, मेटरनल हेल्थ, इसके अलावा जो बाकी डेंगी, मलेरिया, HIV या इससे पोलियो, इससे और भी जो लिंक्ड बीमारियां हैं, उन सब चीजों को इरेडिकेट करना भी वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए लोन्स प्रोवाइड करना, ताकि इन्वायरमेंट ज्यादा फिजिबल बन सके, उन वो सब चीजें भी वर्ल्ड बैंक के डोमेन के अंदर फॉल करती हैं। इसकी वर्किंग हिस्ट्री क्या रही है वर्ल्ड बैंक की? वर्ल्ड बैंक ना यूजुअली लोन्स कम देता था, ठीक है, कोई जनरल बेस या सोशल नेचर के लोन्स ना, जो सोशल प्रोजेक्ट्स थे या जो जनरल लोन्स थे, उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने ना ओवर इट्स पास्ट इसने लोन्स कम दिए। ट्रेडिशनली सेल्फ लिक्विडेशन प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके थ्रू वो कंट्री अपने डेट सिचुएशंस को, जो डेट क्राइसिस है उनको ओवरकम कर सके, बट वैसे आफ्टर द 1980s या कह लो 1980s से ही इसने अपनी इस अप्रोच को चेंज किया था, एंड अब ये ज्यादा लोन्स देता है ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है कि जो वो क्या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको, ताकि वो कंट्रीज अपने डेट इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें, वो अपनी कंट्रीज को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर सकें। अच्छा, अब इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स ना आपको मोर ऑर लेस काफी लोगों को कंफ्यूज करते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी काफी टाइम पहले तक कंफ्यूज कर रहे थे, बट इनके बीच में एक थिन लाइन डिफरेंस है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, राइट। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक ही समझ लें कि एक ही साइकिल के दो पहियों की तरह चल रहे होते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है वो काम करता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर पॉवर्टी को रिड्यूस करने में एंड उनकी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करने में, एंड वहीं पे IMF स्टेबलाइज करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को, जो करेंसी रेट्स है उनको, एंड वर्ल्ड करेंसी का एज अ मॉनिटर एक अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है। ये दोनों ही जब साथ चलते हैं तब भी इंटरनेशनल इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो इंप्रूव करती है, वो ग्रोथ रेट की तरफ जाती है। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है फाइनेंसेस, एडवाइसेस देता है पॉलिसी ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स, टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहा होता है गवर्नमेंट्स को ये, ताकि वो अपनी जो प्राइवेट सेक्टर है डेवलपिंग कंट्रीज का, जो अंडर या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, वो अपना जो सेक्टर है उसको इंप्रूव कर सके, उसको थोड़ा ये बेहतर बना सके। उसी के साथ साथ जो IMF है वो लोन देता है इकोनॉमी के बेस के ऊपर, कि कंट्रीज अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मीट कर सकें, कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को मीट कर सके, कंट्री ऐसा ना हो कि वो किसी और फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर ना। स्लाइड्स दे चुका हूं, बाकी डिटेल नोट्स भी अकेडमी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेक्चर जो जो होता जाएगा उसके साथ साथ, तो डोंट वरी, वो मिल जाएंगे आपको बहुत जल्द।
सबसे पहले सवाल जो मेरे पास हैंड रेज किया हुआ है मोहम्मद जमील साहब ने, जी पूछे, और जो सवाल पूछेंगे जैसे ही पूछ, एक सेकंड, जैसे ही आप पूछ लेते हैं ना काइंडली फिर अपना हैंड नीचे कर दीजिएगा, सही है? चलें ठीक है। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने राइट भी किया हुआ था, मैंने कहा ये कंट्रीज को पहले ही आइडिया हो जाता है कि उनका नेट डेफिसिट हो रहा है या उनके पास पैसे नहीं है, तो वो पहले ही क्यों नहीं अपने मी के या टैक्स लगा देते हैं या अपने जो उनके इंस्टीट्यूट होते हैं उनको प्राइवेटाइज क्यों कर क्यों नहीं करते है? और इंस्टेड के वो IMF के पास जाते हैं और उसके बाद वो इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेते हैं। सर देखिए चीजें ना कहना बहुत आसान है क्योंकि मैं खुद IRS से हूँ, तो टैक्सेस थोड़े बहुत क्योंकि ट्रेनिंग चल रही थोड़े बहुत मैं भी समझता हूँ। कहना बहुत आसान है, टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करवाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड उसके साथ साथ हमें एकदम हमें फॉरेन रिजर्व भी चाहिए होते हैं ना। हम टैक्सेस तो लोकल करेंसी में कर रहे होते हैं, अब हम फॉरेन करेंसी हमने कहाँ से उस चीज से लेनी है, तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए नॉर्मली हम लोग IMF के पास जा रहे होते हैं। एंड सेकेंडली जितना पैसा हम IMF से चाहिए होता है ना उस टाइम, उतना पैसा नॉर्मली कंट्री के पास होता नहीं है एट दैट सर्टेन पॉइंट, या उस टाइम इन द शॉर्ट रन कैपेसिटी नहीं होती कितना पैसा एक साथ जनरेट कर सके, सही है? जी मैमुना मैडम आपका नहीं, उर्वा मैडम आपका हैंड रेज है, बोले। यस सर, मैंने आपसे एक तो ये क्वेश्चन करना था कि आपने ये बात की कि कश्मीर के इशू पे हम ऐसा बेंच बना कि हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब इंडिया के साथ ये हम लोग बातचीत करते हैं लेकिन वो हमसे कश्मीर के इशू पे बात करना नहीं चाहते, एक तो ये, और सेकंड ये मेरा क्वेश्चन था कि जो हम लोगों ने अभी आपने कहा है कि मैंने स्लाइड्स और नोट्स सेंड करने हैं एकेडमी को, तो हम जो प्रेपरेशन है वो जो आपकी अभी की जो स्लाइड्स हैं उसी से करेंगे या फिर जो आपके नोट्स हैं उससे प्रेपरेशन करनी स्टार्ट करें? अच्छा मैडम, सबसे पहले आपका सवाल जो पाकिस्तान और कश्मीर वाला रिलेटेड था ना, मैंने कश्मीर में आपको ये बात कही थी कि पाकिस्तान SEO के थ्रू डिप्लोमेटिकली पुश कर सकता है, एक पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकता है इंडिया के ऊपर ताकि एटलीस्ट आगे बात करें, सही है? जब बात होगी तो उसके बाद वील सी की चीजें किस डायरेक्शन में मूव करती है। रही बात मेरे नोट्स रिलेटेड, तो जो मैं आपको स्लाइड्स इसीलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो सके क्लास में जो चीज मैं कह रहा होता हूँ ना आप रिलेट कर सके उसके साथ। इसकी जो डिटेल्स है ना एग्जैक्ट डिटेल्स, इसके अंदर डिटेल में जो लिखा गया है वो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो वो डिटेल्स आपको इसके अंदर नोट्स के अंदर मिलेगी, जो मैं नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ वो आपको नोट्स के अंदर मिलेगी। बट अगर आप चाहें तो सिर्फ नोट्स को रेफर करें, चाहें तो सिर्फ स्लाइड्स को रेफर करें, वट एवर सूट्स यू, सही है? अच्छा अब शाजिया मैडम आपका सवाल था। जी सर, सर मैं ये बताना चाह रही थी कि जो SEO है वो ओरिजिनेटेड है S5 से, तो आपने कहा कि ये जो रीजनल कॉर्पोरेशन है फाउंड की गई थी 2001 में, तो अगर जो इसकी फाउंडेशन की डेट है वो हम S5 से लेंगे, यानी कि पहले जो इसका नेम था 1996 में, या फिर जब इसको इसमें उज़्बेकिस्तान ने भी ज्वाइन किया तो इसको S5 से SEO में चेंज कर दिया गया था? मैडम अब इसको ना S5 कहा नहीं जाता, अब इसको हर जगह ना SEO के पॉइंट से रेफर किया जाता है। अगर वो SEO का पूछता है तो 2001 ही लिखेंगे, सही है? अब सवाल है सगरा मैडम का, जी पूछें। जी सर, एक बात हमने इस पे की थी कि हमारे पास रीजनल कोऑपरेशंस होती हैं इंक्रीज, तो जिस तरह अभी हम पिछले 3-4 सालों में देख रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और बाकी कुछ कंट्रीज की मिलिट्रीज मिलके जैसे कुछ पाकिस्तान डे परेड्स होती हैं और उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं इकट्ठी, सर ये इन्हीं कोऑपरेशन के अंडर होती है ये स्ट्रगल्स देखें, या ये वो पाकिस्तान का अपना इनिशिएटिव होता है? देखें जब पाकिस्तान जो अलग से कर रहा होता है ना, जिस तरह हम 14 अगस्त पे कर रहे होते हैं जिस तरह पाकिस्तान डे परेड है, वो पाकिस्तान खुद ही कर रहा होता है, बट कुछ सर्टेन ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो एट टाइम्स कॉर्पोरेशंस मिलके कर रही होती हैं, एट टाइम्स 2-3 कंट्रीज मिलके वैसे ही कर रही होती हैं, अपना ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ दिखाने के लिए या अपने जो वो है ना इनका जो फ्रेंडशिप है जो रिलेशन है उसको बताने के लिए भी होती है, सही है?